है पर धंधे बदल जाते कुछ रहता है तो कुछ बदल जाता है। जरा गौर करना हमारे शब्दों पर। बदल जाते हैं तो क्षमा करना अगर कोई राजनीति से जुड़े हुए बैठे हों। नेता भी वही रहते हैं पर झंडे बदल जाते हैं। हम पुलिस वाले और नेताओं की कभी भैया बुराई नहीं करते, बड़ा ईमानदार लोग होते हैं। नेताओं की कभी बुराई नहीं करने चाहिए, नेता लोग बड़ा ईमानदार हैं। नेता कभी नहीं बदलते हैं लेकिन झंडे बदल जाते हैं। देखा क्या सपा में सपाया करने के लिए नहीं मिला, छोड़ो बसपा में चलते हैं। बसपा में कचुनाए भस्म करे पाए, बोले छोड़ो बीजेपी ठीक है लेकिन नेता नेता नहीं बदलते हैं। नेता भी वही रहते पर झंडे बदल जाते हैं। हम पहले कह चुके पुलिस वाले ने कि हम बुराई नहीं करते हैं। पुलिस वाले वही रहते हैं, पुलिस वाले वही रहते हैं, हथकंडे बदल जाते हैं। लाला क्षमा चाहेंगे, वेश्याएं वही रहती हैं, वेश्याएं वही रहती हैं, भरत हरा के विचार लेकिन नारद नहीं बदले। भागवत श्रोताओं प्रमाण ये मिलता है नारद ने भगवान विष्णु को याद किया, बोले अब तुम्हारे सिवा हमारा प्रभु कोई नहीं है, हमारी रक्षा करो, हमें मेरी टेर सुनो।
अब विष्णु भगवान प्रकट हो गए, बोले नारद तुम तो बाल ब्रह्मचारी थे ना, फिर क्या हुआ, हमें क्यों याद किया? नारद कहते प्रभु चलते उठते फिरते घूमते सोते खाते फिरते मैं तो तुम्हारा ही नाम लेता रहता हूँ, और रही बात बुलाने की तो प्रभु हमें सुंदर बना दो, मुझे हरी रूप दे दो। अब हरी मीस बंदर भी होता है और हरी मीस सुंदर भी होता है, तो भगवान ने नारद का पूरा शरीर सुंदर कर दिया है लेकिन चेहरा बंदर का लगा दिया। अब तो नारद अपनी बाएं ठीक के बड़ा खुश है, मसे कोई सुंदर, अब तो जाएंगे सभा में प्रवेश करेंगे, विश्व मोहिनी देखेगी, सब लोग रोकेंगे, जयमाला डल जाएगी, आराम से शादी करके चला आऊंगा भैया। वो नारद सोच रहे हैं के बने की वो दुल्हनिया, किन्ने सोची लला, नारद ने लगुआ सोची, अरे बने की वो दुल्हनिया, अरे हमारे घर की बने की वो ब्रजवाला, नारद सोच रहे हैं सब लोग हंसे मेरे घर में, ऐसी इस नारद की सुंदर घरवाली, बोले मन भी वो घरवाला, वो मन भी वो दुल्हनिया, हमारे घर की वो मन भी वो दुल्हनिया, गए हैं जहां लड़की का स्वयंवर होने वाला था। नारद दर से गए, सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए, उधर से विष्णुमोहिनी जयमाला लेके आई, नारद की तरफ एक नजर गई, दोबारा विष्णुमोहिनी ने देखा ही नहीं। अब नारद को ऐसा लग रहा है जैसे हजारों नाम नारद को डस रहे हो। भागवत श्रोताओं, नारद ने सोचा भी देख नहीं पाया। शंकर भगवान ने दो गण नारद के पीछे लगा दिए। अब गण नारद को देख देख के बहुत हंसे। नारद बात उठे, विष्णुमोहिनी के सामने ऊंचे से सिंहासन बैठ गए, जिधर से विष्णुमोहिनी आई वैसे ही देखने लगे। विष्णुमोहिनी अब की बार नारद की तरफ देखा ही नहीं। उसी सभा में विष्णु भगवान राजा का रूप धारण करके आग, अब भगवान की तो सब माया ही थी, तो विष्णुमोहिनी ने भगवान की गर्दन में जयमाला डाली और जोर जयमाला डाली, लड़की को देख करके नारद चीखने लगे, पागल है ये लड़की, रूप की पहचान नहीं जानती है, हमें देखो, हम सब कोई सुनता रहा, इस लड़की को रूप की पहचान नहीं मालूम, इतनी भरी सभा में हमसे कोई सुंदर नहीं है, वो इस लड़की ने जो जयमाला डाली है, लड़की बिल्कुल पागल है। तब तक भगवान के गढ़ कहने लगे शंकर भगवान के नारद, नारद शिव के गड़ा सिके कहने लगे, तुम्हें राज शर्म नहीं
शंकर भगवान के गढ़ कहने लगे नारद काय को भैया चिल्ला रहे हो। नारद कहने लगे तू पागल है, हमारी सुंदरता को देख, तंदुरुस्ती को देख, इस लड़की को ज्ञान नहीं है, इसे रूप की पहचान नहीं मालूम। शंकर भगवान के गढ़ कहने लगे चिल्ला काय को रहे हो, तुम्हारा शरीर तो पूरा सुंदर है लेकिन जो चेहरा बंदर को लगाए पे तक हम शीशा में देख लेते। नारद भाग दिए वहां से, एक पानी का ठहरा हुआ गड्ढा था भागवत श्रोता, और नारद ने चेहरा को देखा तो शरीर सुंदर था लेकिन चेहरा बंदर का था। उधर से विष्णु भगवान शादी करके आए, विष्णु भगवान ने धीरे से कह दिया नारद ए? कैसी रही? नारद चिल्लाने लगे चुप चुप रहना, बिल्कुल तुमने मेरा घर बसने से उजाड़ दिया। तुम जिंदगी में किसी का घर बसना चाहते ही नहीं हो, देखना ही नहीं चाहते हो। समुद्र मंथन हुआ, कौस्तुक मड़ निकली तुमने रख ली, लक्ष्मी जी निकली समुद्र से तुमने रख ली, सर्प निकले उस पे लेट गए, शराब निकली तुमने राक्षसों को पिला दी, जहर निकला शंकर भगवान को पिला दिया, अमृत निकला देवताओं को पिला दिया, तुम किसी का घर बसना नहीं देख सकते हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं भगवान, जिस स्त्री के पीछे हम पागल हो गए थे, पागलों की तरह घूम रहे थे, इसी स्त्री के पीछे तुम्हें बन बन में भटकना होगा, और जिन बंदरों के तुम चेहरा लगा करके हमारी हंसी बनवाते रहे, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भागवत श्रोताओं।